फगवाड़ा विखे अक्सर ही गुंडागर्दी दीआं वारदातां विच इजाफा हुंदा पिआ नज़र आ रहा है, पर पुलिस प्रशासन भी इन्हां वारदातां नूं रोकण विच असफल साबित हो रहा है। ताज़ा मामला सामने आया है फगवाड़ा दे चाचौकी विखे, जिथे कि कुछ व्यक्तियों ने सरस्वती विसर्जन करके वापस आ रहे नौजवानों ते तेज़धार हथियारां नाल हमला कर दिता, जिस नाल दो नौजवान बुरी तरह नाल जख्मी हो गए, जिन्हां नूं इलाज लई सिविल हस्पताल फगवाड़ा विखे दाखिल करवाया गया। जख्मी नौजवानों की पहचान करन पुत्र अजय सिंह वासी मनसा देवी नगर अते दीपक पुत्र ज्ञान चंद वासी सतनामपुरा फगवाड़ा वजो हुई है। इस मौके गलबात करदे जख्मी करण ने दसिया कि वह सरस्वती विसर्जन करके फिलौर तो फगवाड़ा वापस आ रहे सन कि चाचौकी विखे कुछ व्यक्तियों ने उन्होंने तेज़धार हथियारों नाल हमला कर दिता, जिस तों बाद उन्होंने सिविल हस्पताल फगवाड़ा विखे दाखिल करवाया गया। उन्हें पुलिस प्रशासन पासों इंसाफ की गुहार लगाई है। भाई क्या नाम है आपका? करण सिंह जी। करण सिंह जी, क्या हुआ, हॉस्पिटल में आपकी चोट लगी है, किसने मारा? जी हम लोग कल मारी थोड़ी सी मुंहची हो गई थी, ठीक है, ये मनसा देवी दर्शन नगर के पास मुंहची हुई थोड़ी, उसके बाद हो गया, वो लोग पी हुए थे, उन्होंने दारू दूरू पी थी, ठीक है, उसके बाद जो हो गया। अभी हम लोग मूर्ति को विसर्जन करके फ्लोर से आ रहे थे, ये जे सिटी वाला चाचौकी रोड है, पेट्रोल पंप के पास से हमें हाथ देने लग गए थे पीछे से, हमें नहीं पता था कि क्या होगा ना, हमारा जनरेटर करके किसी ने पत्थर मारा पीछे से, पत्थर मारा तो हम फिर हमारे ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। उसके बाद फिर पहले एक लड़का आया उसने मेरे कह रहा भाई थल्ले उतर मड़े यार, मैं हो की होया भाई जी, ऐसे हौली 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 फिर 10-12 जाने इकट्ठे हो गए, फिर उसके बाद 10-20 जाने हो गए इकट्ठे, लगभग 4-5। आप कितने लोग थे? हम लोग 20 भाई चाहे थे। आपको दोनों दो आदमी को? हाँ जी, ये आगे बैठा था। इसका क्या नाम है? इसका नाम दीपक कुमार है। दीपक कुमार, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भी उधरी के रहने वाले, दर्शन नगर के। आप जी, हाँ जी, हाँ जी। ने प्रॉब्लम जो कल बात हुई थी उसके करके हुआ ये झगड़ा? नहीं जी, वो लड़के नहीं लगे मेरे को, पर उसके उनमें से पहचानते हो किसी को? हाँ जी, हाँ जी, पहचानता हूँ मैं। कोई पुरानी रंजिश वगैरह? कोई नहीं, उससे कोई पुरानी रंजिश नहीं थी मेरी, मेरा अंकल है उनके हाथ काम पे जाता था। कितने टोटल आदमी थे? वो टोटल आदमी 20-25 जाने थे। आज इसने आपकी? हाँ जी, हाँ जी, लड़ाई हुई है। हाँ जी, क्या मांग करते पुलिस से? ये हमें इंसाफ दिया जाए। उधर सिविल हस्पताल फगवाड़ा के डॉक्टर ने दसिया कि हस्पताल विखे मारकुट के मामले में दो नौजवान जो जख्मी हालत में आए सन उन्हों का इलाज किया गया है। उन्होंने कहा कि जख्मी नौजवानों की हालत फिलहाल खतरे तो बाहर है। डॉक्टर की लड़ाई हुई जानकारी दियो। हाँ जी, मैं डॉक्टर दीपक, EMO सिविल हॉस्पिटल फगवाड़ा। अज करीब 8 बजे साढ़े को दो पेशेंट आए ने, जिस नाम दीपक है, एक का नाम करण है, उम्र इन्हों की 17-20 साल है। मरीज के मुताबिक इन्हों की लड़ाई हुई है सरस्वती पूजा के दौरान चाचौकी के नज़दीक। तो यदि पुलिस सूचना भेजी जा सकते? हाँ जी, हले कार्रवाई कर रहे हैं, अभी MLR रिपोर्ट बना रहे हैं, तो पुलिस में जल्दी भेज रहे हैं। उदा ठीक है, दोनों खतरे तो बाहर है? हाँ जी, खतरे तो बाहर है फिलहाल।